होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिन्यामीन शौकत हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम बाबा बुल्ले शाह की नगरी ज़िला कसूर में मौजूद हैं और यहाँ आज हम आपको विज़िट करवाएंगे एक बटेर फार्म का। इस फार्म के ऊपर तकरीबन 10,000 के करीब बटेर हैं और ये बटेर को क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, किस तरह इसकी परवरिश की जाती है, कहाँ से ख़रीदा जाता है, कहाँ बेचा जाता है, कौन कौन सी बीमारियाँ हैं और ख़र्चा कितना आता है फ़ी बर्ड के ऊपर और फ़ी बर्ड मुनाफा कितना आता है और इसकी फ़ीड के एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्यारे किसान भाइयों, ये देखें छोटा सा कितना प्यारा सा बर्ड है, ये बटेर है। नॉर्मली ये जंगलों में पाया जाता है लेकिन अब पाकिस्तान में बड़ी लार्ज स्केल पर इसकी घरेलू पैमाने पर और सनती पैमाने पर भी फार्मिंग हो रही है, ताकि इस फार्मिंग की बदौलत अब शहरों में बैठे लोग भी बआसानी बटेर का गोश्त खा सकते हैं। और इसके लिए आपको ख़ास तौर पर घरेलू सतह पर बटेर की फार्मिंग का फ़ायदा ये हुआ है कि आम आदमी तक भी बटेर का गोश्त बआसानी पहुंचना शुरू हो गया है, वगरना तो सिर्फ शिकार की सूरत में ही बटेर का गोश्त खाया जा सकता था। नाज़रीन, आज हमारे साथ इस फार्म के मैनेजर बिलाल अहमद साहब मौजूद हैं जो हमें इस फार्म की नीटी ग्रिटी के बारे में बताएँगे और इस बिज़नेस की इनसाइट देंगे कि ये बिज़नेस क्या है और अगर आप भी ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं और आपके कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और आपको किस चीज़ का एक्सपर्ट होना चाहिए। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल साहब, सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, ये जंगली परिंदे हैं, आपने कहा इनको छत के नीचे कैद कर लिया। जी देख लें, ये तो अल्लाह ताला की तरफ आसानी है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ मखलूकात बनाया तो हमने इनकी फार्मिंग की है। अब सब के खाने के लिए ये गोश्त भी है और ये अल्लाह ताला की आसानी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपके जहन में कहाँ से आया ये बिज़नेस के ख्याल? ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है बिज़नेस और मैंने भी ये नेट से देखा था और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया है, मुझे इसमें बहुत फ़ायदा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र मैं कामयाब कर रहा हूँ काम को। अच्छा, थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर आते हैं, यानी अगर कोई ये किसान करना चाहता है तो सबसे पहले तो बताएं कि उसके पास क्या होना चाहिए, कितनी जगह होनी चाहिए। ये यहाँ इस फार्म के ऊपर हमारे पास 10,000 बर्ड है, इस वक्त 10,000 बटेरा है, तो 10,000 बटेरे को रखने के लिए कितनी जगह चाहिए और ये किस किस्म का किसान हो जो ये काम करे? ये कोई भी किसान भाई कर सकता है, ये अपने घर में भी कर सकते हैं। जैसे आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाओगे आपको छोटा सा फार्म या छोटा सा कमरा देखना पड़ेगा। ये इसके लिए आपको फिक्स नहीं है कि आपके पास एक बड़ा फार्म हो, बड़ी इन्वेस्टमेंट हो फिर आप काम करें। आप इसको अपने घर के अंदर 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मुर्गी की बात करें तो मुर्गी आप घर में 100 भी रखें तो शायद वो इससे ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है और उसमें बीमारी आती है, आपको पता नहीं होता, मोर्टेलिटी हो जाती है, बाद में आपका सारी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है और आपका टाइम भी ज़्यादा होता है। इसका मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी इन्वेस्टमेंट भी मेरे पास है, मुझे फ़ायदा हो रहा है और ये बहुत छोटा सा पीरियड है, यह सिर्फ 25 दिन के अंदर अंदर आप इसको क्लियर कर लेते हैं, जबकि मुर्गी का फर्स्ट स्टेप भी 3 माह से शुरू होता है। अगर आपने अंडा लेना है तो 7-8 माह का प्रोसीजर है, तो इस उस हिसाब से ये बहुत ही फ़ायदे वाला काम है। मैंने प्रैक्टिकली बताते खुद भी पहले मुर्गी का काम किया है, उसको छोड़ के मैं इस तरफ आया हूँ और मुझे ये बहुत फ़ायदा दे रहा है। अच्छा, जगह आपने बतानी थी कि किसी ने अगर 10,000 बटेर का फार्म बनाना है तो उसको कितनी जगह चाहिए? उसको मेरे पास इधर 50x20 का हाल है जो 10,000 फार्म के लिए सर्दियों के लिए काफ़ी है, तो गर्मी में भी इसमें 8,000 के करीब फार्मिंग हो जाती है। यानी 50 फीट लंबाई और 20 फीट चौड़ाई, ये हाल काफ़ी है 10,000 फार्मिंग करने के लिए। पहले दिन आपको इसका सिर्फ पहला कोई 20x20 का करना पड़ेगा, जैसे जैसे आपका पटेर भरा होगा वैसे वैसे आप हाल को खोलते जाएंगे और इसी तरह फिर वो आपका एंड तक पूरा हाल खुल जाएगा और आपकी फार्मिंग 20-25 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, हमारे फार्मर्स को बताएं कि इस बिज़नेस के मुख्तलिफ मराहिल क्या हैं, किस किस मरहले से गुजर के ये डे ओल्ड चूज़े से या हैचरी से लेके या ब्रूडर से लेके या आप कह लें कि जो आपका इनक्यूबेटर है वहाँ से लेके, इसके मुख्तलिफ जो मराहिल हैं उनके बारे में ज़रा हमारे फार्मर को बताएं। जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मुझे खुशी हुई है ये सवाल, कि ये मेरे लिए सबसे अहम चीज़ें थी जो मैंने सीखी हैं और मैं चाहता हूँ मैं अपने भाइयों को भी ये बताऊँ। इसमें सबसे जो अहम है ना वो आपका ब्रूडर है, इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। तमाम जो ना मैंने भी और बाकी दोस्त इसी जगह पे आके ना गलती करते हैं और अपना नुकसान करवाते हैं, तो मैं ब्रूडर की आपसे सारा शेयर करूंगा, ब्रूडर किस तरह बनाना है, उसको चूज़े को पहले 4 से 5 दिन किस तरह लेके जाना है, उसके बाद इसकी मोर्टेलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। अगर पहले दिनों में आपके कुछ 10-20-50 मर जाते हैं तो उसके बाद 5 से 6 दिन के बाद अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक है तो वो आपके बिल्कुल 0-0 हो जाएगा, आपका कोई पीस नहीं मरेगा एंड तक,
अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है। ये चीज़ें आपने ध्यान से करना है। इसमें सबसे अहम चीज़ ब्रूडर है और ब्रूडर के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। चलिए सबसे पहले हम आपका ब्रूडर देखते हैं और उसके साथ साथ आपसे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाज़रीन आपको बताते चलें कि ब्रूडर से पहले भी एक सेक्शन होता है जो इनक्यूबेटर का सेक्शन है, जहाँ से अंडे से बच्चा निकाला जाता है। लेकिन बहरहाल अगर वो काम आप इनक्यूबेटर वाला नहीं भी करना चाह रहे, नो प्रॉब्लम, आपको मार्केट से डेओल चिक मिल जाता है जिसकी आप फार्मिंग करते हैं, या फिर अगर आप अपना फ्लॉक भी तैयार करना चाहते हैं तो एक इनक्यूबेटर उसके लिए दरकार होगा, उससे आप अंडे से चूज़ा निकलवाएंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ जो हम मॉडल देखेंगे वो डायरेक्ट ब्रूडर का है। आइए आपको ब्रूडर और उसके कुछ प्रोटोकॉल्स बताते हैं। नाज़रीन ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये ब्रूडर है और इसमें एक दिन से आठ दिन का चूज़ा इस एरिया में रहता है, जिसके बारे में मज़ीद प्रोटोकॉल्स हम बिलाल अहमद साहब से जानते हैं। जी बिलाल साहब, ये जो ब्रूडर है इसमें कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और वो किस तरह पता चलेगा आम किसान को ये कैसे क्या है? ये ब्रूडर है, इसमें हमने साइड पर गत्ता लगाया हुआ है। इसके हमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो चूज़ा जब हम इसको पानी डालते हैं तो हमारे पाँव के नीचे नहीं आता। इसकी ये नेचर है कि जब आप कोई चीज़ रखेंगे, आवाज़ पैदा करेंगे, चूज़ा सारा भाग के आपकी तरफ आ जाएगा। तो जब हम पानी का बर्तन रखते हैं तो फिर ये चूज़ा पाँव के नीचे आना शुरू हो जाता है, इसलिए ये ब्रूडर बनाया हुआ है। दूसरा, टेम्परेचर इस जगह पे मेंटेन हो जाता है। तो नीचे हमने बुरादा बिछाया हुआ है कि नीचे से सीज या कोई ठंड नीचे से ऊपर ना आए। ऊपर से हमने ये आप कैमरा मैन दिखाएगा भट्टी इस्तेमाल करते हैं और ये जो राड वगैरह हमने टेम्परेचर रखे हुए हैं कि अचानक से हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाए तो हम ये राड चला लेते हैं एक दफ़ा कंट्रोल करने के लिए। अदरवाइज़ हम भट्टी से सारा काम करते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो इसके साथ ये देखें, इसका जो पहले दिन टेम्परेचर है ना वो फारेनहाइट में 100 और सेंटीग्रेड में तकरीबन 37 के करीब होता है। उसके बाद ये तीन दिन के बाद, हर पाँच दिन के बाद या हर वीक के बाद इसका फारेनहाइट में 5 डिग्री कम करते हैं। यानी उसी हिसाब से जब ये चूज़ा पहले 5 दिन गुजार लेता है या 8 दिन गुजार लेता है तो वो टेम्परेचर 95 हो जाता है, फिर 90, फिर हर इस तरह हर 5 दिन पे या हर हफ्ते में ये मौसम के हिसाब से इसका 5 डिग्री कम होता जाता है। तो ये पहले दिन का ये मैं दिखा रहा हूँ भाई को, ये अभी ये 35 चल रहा है हमारे पास, ये 35 चल रहा है। इसकी अभी ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, अभी उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम इसका वेंटिलेशन देंगे तो वो भी नॉर्मल हो जाएगी, वो 60 के करीब या 70 के करीब होनी चाहिए। तो ये इसके पहले 7-8 दिन के प्रोटोकॉल हैं। इसका जो टेम्परेचर है वो मैं इसका फाइनल हेड में होना चाहिए 100 और हर 5 दिन के बाद वो चेंज हो जाता है, 5 डिग्री कम कर देते हैं या 5 दिन के बाद या 8वें दिन के बाद मौसम के हिसाब से इसको 5 या 8 दिन के बाद 5 डिग्री कम करते हैं। अभी ये इसका पहला वीक है इसलिए मैंने इसका रखा हुआ है तकरीबन 35 के करीब और ये फारेनहाइट में तकरीबन 100 के करीब चला जाएगा। हर 5 दिन के बाद इसका टेम्परेचर फारेनहाइट में 5 डिग्री कम होगा। इसकी ह्यूमिडिटी लेवल वो 60 है आइडियल, अभी मेरी 65 के करीब चल रही है, ये इसके करीब करीब चल रही है। तो ये इसका प्रोटोकॉल है टेम्परेचर में। सबसे मुश्किल काम है इसका टेम्परेचर मेंटेन करना और ज़्यादा किसान टेम्परेचर की वजह से ही नुकसान कर बैठते हैं। ये चूज़ा ऐसे खुला खुला है, जब ये टेम्परेचर डाउन होगा ये इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने के बाद नेक्स्ट स्टेप एक दूसरे के ऊपर आएगा, ये सारा चूज़ा आपको 1 फुट के अंदर नज़र आएगा और एक ऊँचा ढेर होगा, वो सारे के सारे मर चुके होंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है जिसको पता नहीं चलता। दूसरा स्टेप इसका ये बुरादा वगैरह बिछाना है, ये अपना आपके पाँव के नीचे ना है, ये ब्रूडर बनाना है, ये इसके छोटे छोटे स्टेप हैं। इनकी अपनी भी फिर उसके बाद हीट होनी शुरू हो जाती है, फिर आपको आस्ता आस्ता भट्टी चलाने की या टेम्परेचर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसका पहला स्टेप है। अच्छा बिलाल साहब, इसमें आप मेडिकेशन क्या क्या करते हैं और इसमें बीमारियां कौन कौन सी आती हैं और बीमारियां उनका इलाज क्या करते हैं, और फिर सबसे अहम बात यह कि रूटीन की जो आप इनको मेडिकेशन करते हैं एहतियाती तदाबीर के तौर पर वो कौन कौन सी हैं? भाई पहले तो ये है कि इसकी जो बीमारी है वो 0% है। मैंने मुर्गी का काम भी किया, बाकी बर्ड का काम किया, वो बीमारी के अतबार से वो बहुत मुश्किल है, उनको मैनेज करना, उनको देखना बहुत मुश्किल है। इनकी बीमारी 0% है, इनकी बीमारी ना होने के बराबर आती है। अगर एहतियातन बात की जाए तो हमें इसमें ब्रूफोन, पेनाडोल, ये चीज़ें एहतियातन हमें एक पानी को चलाते हैं, तो बाकी इसकी बीमारी का कोई इशू नहीं है। मल्टीविटामिन खिलाते हैं ताकत के लिए, उसका भी कोई नहीं है, अगर चलाएं तो वो आपका चूज़ा ज़्यादा हेल्थी होगा, ज़्यादा अच्छी नशोनुमा हो जाएगी। अच्छा ब्रूफन जो आप देते हैं वो कितनी मिकदार का देते हैं, कितने पानी में, कितने चम्मच या कितने सीसी? उसमें हम इसको 2 लीटर में 1 सीसी देते हैं। अगर चूज़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो, ज़्यादा थका हो तो फिर हमें 1 लीटर में 1 सीसी देते हैं, वो डॉक्टर के रिकमेंड कर लेते हैं, वो डॉक्टर बता देते हैं, जो वेटरनरी हॉस्पिटल हैं उनसे हम मशवरा कर लेते हैं अगर डिस्टर्ब हुआ हो। अगर नहीं वैसे देना तो फिर 2 लीटर में 1 सीसी काफ़ी है। और इसके अलावा कोई एंटीबायोटिक आप देते हो? नहीं, बीमारी के बगैर एंटीबायोटिक नहीं देते,
बस बीमारी के चक्कर में देते हैं, लेकिन बीमारी इसकी आती नहीं है। मैंने जितने फ्लॉक निकाले मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी नहीं आई। जो हमें एक चूज़ा है डे ओल्ड, वो कितने का मिलता है? वो इस साल तकरीबन 12 से 14-15 रुपये रेट चल रहा है, तो वो मुख्तलिफ हैचरियों में मुख्तलिफ रेट हैं, और आपकी डील के हिसाब से आपको तकरीबन मैक्सिमम 15 रुपये तक बिकता है। एक चूज़े के ऊपर जो खर्चा आता है पूरे तैयारी का, एक तो ये बताएं कि कितने दिनों में ये तैयार हो जाता है, और कितना खर्चा आता है एक चूज़े के ऊपर, और फिर वो कितने का बिकता है, और फी चूज़ा प्रॉफिट कितना आता है? ये चूज़ा तकरीबन 30 रुपये के करीब करीब तैयार होता है, और इसको दिन लगते हैं तकरीबन 25 के करीब करीब, यानी वो आपको 24 भी हो सकते हैं, 27 दिन भी हो सकते हैं, और इसका जो बिकता है वो मार्केट के ऊपर होता है। यानी अभी लास्ट जो रेट वो 38 रुपये चल रहा है, यानी पर चूज़ा 8 रुपये देता है। पिछले दिनों में रेट बहुत अच्छा था, और पर चूज़ा आपको 15 रुपये दे के जा रहा था, यानी 45 रुपये रेट चल रहा था। तो ये रेट के हिसाब से होता है, कभी आपको 10 रुपये पर पीस मिल जाएंगे, कभी 8 रुपये, यानी वो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, यानी 30 के ऊपर आपकी प्रॉफिट है अच्छी मैनेजमेंट के साथ। बिलाल साहब, अगर नया फार्मर ये काम करना चाहे जी, तो उसको डे ओल्ड चिक कहाँ से मिलेगा, फीड कहाँ से मिलेगी, और बाकी रहनमाई कहाँ से मिलेगी? ये नया फार्मर करना चाहे तो जो चूज़े की बात है, तो सबसे ज़्यादा हैचरी कसूर में है, तो आप नंबर चल रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, या आप हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी तरह, तो आपको चूज़ा मिल जाएगा। बाकी फीड, ये नॉर्मल मुर्गी वाली फीड है, उसका प्रोटोकॉल ये है कि पहले तकरीबन 30 दिन कह लो इसको फीड पीस के डालनी पड़ती है, तो फिर वो आपको पीसती भी फीड चाहिए, फिर नॉर्मल इसकी ब्रायलर वाली फीड ही है, तो वो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, नहीं मिलती तो हम आपसे रब्ता, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको वो भी गाइड कर देंगे। तो बाकी जगह का मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने घर में भी एक कमरे भी कर सकते हैं, 10x10 का कमरा होगा उधर भी कर सकते हैं, जैसे आपकी कैपेसिटी है उस तरह आप इसको हाल बड़े हाल में, बड़े हाल में फार्म में कर सकते हैं। तो उसके लिए ये चंद एक चीज़ें हैं, आपको चूज़ा मिल जाएगा, फीड आप मार्केट से परचेज़ करेंगे किसी भी दुकान से, क्यों नॉर्मल फीड है ये, कोई ख़ास फीड नहीं है। तो बाकी जब तैयारी होगी तो फिर अगर आप खुद बेच सकें तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए भी हम हाज़िर हैं, इंशाल्लाह आपका चूज़ा बिक जाएगा, कोई मसला नहीं है। किसान भाइयों, बड़ी वंडरफुल ऑफ़र आई है बिलाल अहमद साहब की तरफ से, कि अगर आप चूज़ा प्रोड्यूस करें, बटेर प्रोड्यूस करें, अगर आप सेल नहीं कर सकते तो ये आपका बटेर सेल भी करवा सकते हैं, क्योंकि इनका वसी नेटवर्क मौजूद है जहाँ से ये डे ओल्ड चिक लेते हैं, और बटेर आगे फॉरवर्ड सप्लाई चेन भी इनकी वेल इस्टेब्लिश्ड बनी हुई है, जिसको ये सेल कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप भी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेल का इशू आ रहा है, तो आप बिलाल से रब्ता कर सकते हैं, आपकी अच्छे रेट पे सेल करवा सकते हैं। बिलाल साहब, हर बिज़नेस में कुछ थ्रेट्स होते हैं, ठीक है, कुछ लॉसेस के, नुकसान के इम्कान होते हैं, तो इस काम में क्या नुकसान का इम्कान है? नहीं, इस काम में मैंने तो अभी नहीं नुकसान देखा, अभी तक तो मैंने इसके में फ़ायदा ही उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि भी जो नया फार्मर है वो गर्मी में ना करें, सर्दी में करें, जब वो आप एक दो स्टेप कर लें फिर आप किसी हैचरी से मुंसिकल होकर फिर आप चाहे गर्मी में करें चाहे सर्दी में करें, लेकिन फ़र्स्ट में ये सिर्फ सर्दी सर्दी का काम है नए फार्मर के लिए। तो बाकी इसकी मैनेजमेंट है, आप मैनेजमेंट देख लें, हमसे पूछ लें, मैनेजमेंट अच्छी करें, नुकसान नहीं है, मैनेजमेंट के ऊपर ही इसका नुकसान का इंतजार होता है। अगर आपकी मैनेजमेंट कमज़ोर है तो फिर आप नुकसान कर सकते हैं, अदरवाइज़ नुकसान नहीं है। अच्छा बिलाल साहब, ये बताएं कि अगर एक फार्मर 5,000 चूज़ा डालना चाहता है, उसका कितना खर्चा आएगा, क्या क्या खर्चा आएगा, और प्रॉफिट क्या आएगा उसे? अगर आप 5,000 की बात करें तो चूज़ा आपका आएगा तकरीबन 5,000-13 रुपये का चूज़ा आएगा, तो तकरीबन ये 62,000 के करीब रकम बनेगी। अगर आप फीट की बात करें तो 1,000 चूज़ा 5 बोरी फीट का के 100 ग्राम की एवरेज में आ जाता है, जो 100 ग्राम की एवरेज का वो बटेर सेल हो जाता है, तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो 100 ग्राम ही है। उसके बाद अगर आप बात एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा होंगे, वो ब्रूडर के जो बूरा इस्तेमाल करना है वो 500-600 का, चलो आप ज़्यादा भी लगाएं 7,000-10,000 भी लगा लें एक्स्ट्रा, जिसमें आप मुलाजम डाल लें, आप बिजली का बिल डाल लें, आप कुछ भी डाल लें, बस इतने बनते नहीं हैं। अगर फिर भी आप करें तो 10,000 ये हो गए, 60,000 वो हो गया, तकरीबन 72,000। और उसके बाद आप फीट की बात करें, 5 बोरी 25 बोरी बन गया, 25 बोरी तकरीबन आपकी 92,000 के करीब आएगी, या 95 इसके करीब करीब 90 से 95 के करीब ही आ जाएगी। तो इस तरह आपके टोटल एक्सपेंसेस तकरीबन 167-170 इसके करीब करीब हो जाएंगे। तो ये आपका आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो ये टोटल आपका जो खर्चा है वो यही है सिर्फ 5,000 बटेर फार्मिंग के लिए। ये बहुत अच्छी जो बटेर फार्मिंग जो बड़े लेवल पे कर रहे हैं ना, वो 5,000 की काफ़ी है उसके लिए। और ये सेल कितने का होगा बटेर? ये अभी इसका 40 रुपये रेट चल रहा है, तो अभी जैसे सीज़न होगा ये फिर 45 रुपये भी जाता है, ये काम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, अभी 40 रुपये चल रहा है। यानी 40 के हिसाब से ये 2,00,000 का बिकेगा? हाँ जी, ये 2,00,000 का बिकेगा, ये 20-25 दिन के अंदर आपके ये इन्वेस्टमेंट भी है और आपकी प्रॉफिट भी है,
ये आप उस बाकी देख लें कि आपने 25 दिन के अंदर क्या कमाया है, यानी 35 से 40,000 रुपये प्रॉफिट है 25 दिन में 2,00,000 रुपये लगा के। हाँ जी ऐसी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं 2,00,000 नहीं, 1,70,000 लगा के, 1,70,000 लगा के, हाँ जी 35 से 40,000 प्रॉफिट है आपकी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा ये जो हमारा तैयार इस वक्त हो चुका है बटेर, हाँ इसको आप होटल्स में सेल करेंगे या ये जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज ठंडे इलाके हैं वहाँ सेल करेंगे, या कोई हम रबता करता है आपसे कि ये उनको चाहिए तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है, क्या फैसिलिटी है? जी बिल्कुल, ये अगर कोई भाई इसको ख़रीदना चाहता है तो हम उसको ज़िंदा बटेर भी देंगे, अगर कोई भाई गोशत की शक्ल में ख़रीदना चाहता है तो हम उसको ज़िबा करवा के फ्रीज़ करवा के जहाँ वो भाई कहेंगे उधर उसको पहुँचाएँगे इंशाल्लाह ताला, शादी पे, होटल में और ठंडे इलाकों में, ये जिधर भी भाई चाहिए ना उस सबको इंशाल्लाह ताला मिलेगा। वो हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, हम इंशाल्लाह ताला आपको बटेर का गोशत भी देंगे और ज़िंदा बटेर भी देंगे। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, आपने देखा किस तरह एक छोटी सी जगह यानी 20 फीट बाय 50 फीट की जगह पर किस तरह 10,000 बटेर की फार्मिंग की जा रही है, और आपने देखा जिस तरह बिलाल अहमद साहब ने बताया कि इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपकी रहनमाई के लिए मौजूद हैं। हम नहायत मशकूर हैं बिलाल अहमद साहब के जिन्होंने हमें टाइम दिया और अपने सारे फार्म का विज़िट करवाया। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, इसके साथ ही अपने मेज़बान बिन्यामीन शौकत को इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।